वाशिंगटन से खबर शामिल करते हैं जहां पर सिख फॉर जस्टिस के रहनमा ग्रिप्तौन सिंह पनु ने अपने कत्ल की साजिश करने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा कर दिया अमरीका मेंकीमत टारनी और एस एफ जे के जनरल कौंसिल ग्रिप्तौन सिंह पन्न ने मुकदमा अमरीकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया ग्रप्तौन सिंह पन्न ने मुकदमा दायर करने का ऐलान अपने वुकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मुकदमे में कत्ल की साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी के अजीत डावल समिथ गर्ल विक्रम यादव और निखिल गुप्ता के नाम शामिल हैं सिख रहन गुप्तान सिंह का कहना था कि भारतीय हुकूमत और तो राह के हकाम ने अमेरिका की सरजमीन पर ही अमेरिकी शहरी को कत्ल करने की गैर मामूली साजिश की मोदी को रिपोर्ट करने वाले निखिल गुप्ता को कातलों की खिदमत हासिल करने का कहा की साजिश उस वक्त बेनकाब हो गई जब निखिल गुप्ता ने जिस कराई की कतल की खिदमत हासिल की वो फेडरल खुफिया एजेंट निकला ग्रुप गुप्त सिंह की शिकायत में कहा गया की भारत सिखों के हक खुद रादियत मजहबी अकलीतों पर जुल्म और इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वाले ग्रुपन सिंह पन्नू की आवाज को खामोश कराना चाहता था ग्रुप्तौन सिंह पन्नू को उसी वक्त कत्ल किया जाना था जब उनके करीबी साथी हरदेप सिंह मक्कर को कनाडा में कत्ल कर दिया गया अमेरिका में ग्रुप्तौन सिंह पन्नू की कत्ल की साजिश करने वाले निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई कैनेडा में भी चार सिखों को गिरफ्तार किया गया जिन पर निचर के कत्ल का इल्जाम आय किया गया है शिकायत में कहा गया कि भारतीय कत्ल से इंकारी है जबकि मोदी कह चुके हैं कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार सकते हैं ग्रप्तौन सिंह कहा है कि भारतीय धमकियां खालिस्तान के क्या के लिए रेफरेंडम के इनका को नहीं रोक सकती अगर आजादी की कीमत मौत है तो मैं इसका सामना करने को भी तैयार हूँ